हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है आपका, जिसका नाम है एंजॉय कर समित। सो गाइस, काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि इसका प्राइस नहीं बताया और कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना सब्सिडी मिलेगा। सो आज हम इस वीडियो में बात कर लेंगे। I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help. आज हम बात करेंगे 450X के प्राइस की, कलर्स की, और कैसे अवेलेबल होगा, कितनी इसमें सब्सिडी मिल जाएगी और कितनी इसमें वेटिंग पीरियड है। सो वो सब मैं आज आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले हम कलर्स की बात कर लेते हैं। मैंने आपको स्कूटर पूरा दिखा दिया था। एक ही रेड एंड ब्लैक कलर आता था शाइन में, जो कि स्टार्टिंग में आता था, लिमिटेड एडिशन था, तो ये बंद हो गया है। दूसरा आपको ये ग्रीन कलर मिलेगा और एक आपको मैट ग्रे कलर मिलेगा, एक मिलेगा आपको वाइट कलर। सो गाइस, ये चार कलर थे, जो कि एक आपको मैंने बताया ब्लैक शाइन वाला, वो लिमिटेड एडिशन था, वो बंद हो गया है। तो अभी आपको तीन कलर मिलेंगे, मैट ग्रे, वाइट, और ये मैंने आपको जो स्काई ब्लू थोड़ा ग्रीन टाइप का कलर है वो। सो गाइस, कुछ इस तरीके का आपको 7 इंच का फुल्ली कलर डिस्प्ले मिलेगा, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखा दिया, जिसमें काफ़ी ज़्यादा आपको सिस्टम दिख जाएंगे और पूरी स्कूटी को आप अपने यहाँ से समझ सकते हो। सो आगे की जो मैं हेडलाइट दिखा दूँ आपको, कुछ इस तरीके की आपको हेडलाइट मिलेगी, तो आपकी हाइट भी अलग से दिखेगी और आपको आगे ऊपर की तरफ ये DIN दिखेंगे। आपको पीछे की LED मैंने आपको दिखा दी लास्ट वीडियो में भी, लेकिन कुछ इस तरीके की आपको DIN मिलेगी, जो कि दूर से काफ़ी अच्छी लगती है। और आपको जो साइड में मिरर थे, मैं लास्ट वीडियो में दिखाए थे, काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के और काफ़ी ज़्यादा व्यू आ जाता है इसमें। सो गाइस, आपको दो ऑप्शन मिलेंगे चार्जिंग के लिए। आप एक ऐसा चार्जर अपने घर में फिट करवा सकते हो जो कि वॉल पे होगा, लेकिन आप इसको कहीं पर लेके नहीं जा सकते, पोर्टेबल नहीं होगा। और जो दूसरा ऑप्शन होगा, वो आपको ऐसा पोर्टेबल चार्जर मिलेगा जो आप अपने घर के किसी भी प्लग में लगा सकते हैं और ऐसा आपको रख के, ये जो आपका चार्जर है, ये जो आपका चार्जर है वो आपको अपनी स्कूटी में इस तरफ यहाँ पे ओपन करके लगा देना है। सो ज़्यादातर लोग जो हैं पोर्टेबल चार्जर लेना पसंद करेंगे, क्योंकि यार अगर आप कहीं भी राइड पे जाते हैं तो अपने ये डिक्की में पोर्टेबल चार्जर को डाला और जहाँ भी गए अपने फैमिली मेम्बर या कहीं भी रिलेटिव्स के घर पे, सो वहीं पे जाके आप इसको चार्ज भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो है और ज़्यादा आपकी डिस्टेंस बढ़ जाएगा। और गाइज, मैं आपको बता दूँ, जो इसका चार्जिंग टाइम वो 80% चार्ज ये 3 घंटे 35 मिनट के अंदर, 3 hours 35 minutes के अंदर 80% चार्ज कर देती है, जो कि आपको इनफ रहेगा और काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं है यार। कहीं भी आप घर से अगर कहीं से भी आप आते हैं तो 3 घंटे आप घर पर अगर रेस्ट भी करते हैं तो आपका ये दोबारा से फुल्ली चार्ज हो जाएगी। जो इसका फ्रेम है वो एलुमिनियम अलॉय का है, वो कुछ इस तरीके से होगा आपको, और आपको दोनों में आपको डिस्क मिलेगी, आप ये देख सकते हैं, और रियर डिस्क भी इस तरफ लगी हुई है। और जो इसकी मोटर की आपको देख सकते हैं कि बेल्ट लगी हुई है, जो कि बेल्ट है, ये हार्ली डेविडसन यूज़ करती है, उसी क्वालिटी की ये बेल्ट है। और आपकी कम से कम भी 80 to 1 lakh किलोमीटर तक ये बिल्कुल भी लूज़ नहीं होगी, फ्री टू मेंटेनेंस है, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना। सो गाइस, इस पे अभी थोड़ा सा वेटिंग टाइम चल रहा है, 4 to 6 weeks आपको वेट करना पड़ेगा। आप जब पेमेंट कर देंगे उसके बाद आपको आपकी स्कूटी 4 to 6 week के अंदर अंदर मिल जाएगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिमांड है स्कूटी की मार्केट में, और जो पीछे से स्कूटी अवेलेबल होगी जैसे ही आपको बता दिया जाएगा, आप अपनी आगे स्कूटी को डिलीवरी करवा सकते हैं। सो गाइस, दिल्ली में आपको अगर ये लेना है तो आपको लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नीचे मार्केट की तरफ जो रोड जा रहा है, वहीं पे एथर 450X का शोरूम है, वो मैंने आपको बाहर से दिखा दिया है। और जो इसके प्राइस की बात कर लें, आपको ये 1,52,000 की पड़ेगी और उसके बाद आपको 14,000 की सब्सिडी दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी, जो कि आपके अकाउंट में आ जाएगी। सो ऑन रोड ये आपको एक तरह से 1,38,000 समथिंग के आसपास की वो पड़ेगी। सो भाई, इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया एथर 450X में कितने कलर आते हैं, क्या प्राइस पे ये आपको पड़ेगी और कितनी आपको इसमें सब्सिडी मिलेगी, क्या इसका चार्जिंग टाइम है, क्या इसका रनिंग टाइम है, और सारे मोड्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता ही दिए थे। तो ये सारे कमेंट आ रहे थे, इस वजह से मैंने इस वीडियो को बनाया और आप सबको बता दिया दोबारा से कि कैसा कैसा आपको अगर ये स्कूटर लेना है तो क्या क्या आपको करना पड़ेगा।
वो सब बातें हमारी इस वीडियो में होगी। अगर ऐसे ही इसके ऊपर और भी कुछ वीडियो चाहिए तो कमेंट करके मुझे बता देना, मैं आपके लिए और वीडियोज़ बना दूंगा। सो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर देना। आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।